प्यारे बच्चों, अब हम मौसम इस उन्वान का मुताला करेंगे। मौसम किसी मखसूस इलाके की फिजाई हालत को कहा जाता है। मौसम का ताल्लुक किसी छोटे इलाके से नहीं होता है, बल्कि मौसम का ताल्लुक एक वसी इलाके से होता है। मौसम में होने वाली तब्दीली का इन्हिसार इसके अज्जा पर होता है। मौसम के कुछ अज्जा है जिनकी वजह से किसी इलाके के मौसम में तब्दीली वाकई होती है। आइए सबसे पहले हम मौसम के इन अज्जा का मुताला करते हैं। मौसम के अज्जा में सबसे पहले शुमार होता है फिजाई दबाव का। किसी इलाके के फिजाई दबाव की वजह से उस इलाके के मौसम का तयन होता है। फिजाई दबाव के बाद मौसम के अज्जा में शुमार होता है सूरज की रोशनी का। किसी इलाके में पड़ने वाली सूरज की रोशनी की मकदार और इसकी मुद्दत उस इलाके के मौसम का तयन करती है। इसी तरह से बादल भी मौसम के अज्जा में शामिल होते हैं। बादल के अलावा उस इलाके की रतुबत यानी फिजा में मौजूद पानी के बुखारात की मकदार। रतुबत के बाद मौसम के अज्जा में शुमार होता है रबियत का। रबियत यानी बिजी लिंग। किसी इलाके के मौसम का अगर दर्जे हरारत ऊंचा रहता है तो उस इलाके के मौसम की रबियत भी ज्यादा होती है, और दर्जे हरारत कम होने पर रबियत में कमी वाकई होती है। रबियत के बाद मौसम के अज्जा में शुमार होता है बारिश का। बारिश की बिना पर किसी इलाके के मौसम का तायुन किया जाता है। बारिश के बाद आखिर में मौसम के अज्जा में शुमार होता है दर्जे हरारत का। दर्जे हरारत का इन्हिसार उस वसी इलाके को मिलने वाली सूरज की रोशनी की शिद्दत से होता है। किसी भी इलाके के मौसम में तब्दीली का इन्हिसार उस मौसम के बयान किए गए अज्जा पर होता है। इन अज्जा में से अगर किसी एक जुज में फौरी तौर पर तब्दीली वाकई हो तो उसकी बिना पर उस इलाके के मौसम में तब्दीली वाकई नहीं होती है। मौसम में तब्दीली वाकई होने के लिए इन अज्जा का मुसलसल तवील मुद्दत तक तब्दील होना जरूरी होता है। इन अज्जा में होने वाली तब्दीलियों का मुसलसल तवील मुद्दत तक मुताला करके उस इलाके के मौसम का तायुन किया जाता है।